जन्म पर विश्वास करते हो? शायद करते होंगे। अगर नहीं करते हो ना तो आज से कर लो। सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो सीरीज एक्सप्लोरिंग हिमाचल में। तो गाइस, आप में से ज्यादातर मुझे जानते हैं पर्सनली, और जो नहीं जानते हैं वो अब जान जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से बिलोंग करता हूं, और शायद आप में से कई व्यूवर्स घूमने भी आए हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि किसी काम के सिलसिले से आप शिमला आए हो। अगर आप शिमला आए हो और आपने शिमला घूमा है तो आपको ये भी पता होगा कि शिमला शहर के अंदर दो तरह का बौद्ध मॉनेस्ट्री है, जिसे आप बौद्ध मठ भी कह सकते हैं। हैं एक है डिंगू माता मंदिर के पास, ऊपर आपने देखा होगा डिंगू माता मंदिर बिल्कुल टॉप पे है संजौली शहर के अंदर, उसके नीचे है तिब्बतन मॉनेस्ट्री। और दूसरा जो मॉनेस्ट्री है वो है पंथाघाटी। पंथाघाटी आप शायद गए होंगे, पंथाघाटी तिब्बतन कॉलोनी के साथ ही ऊपर की तरफ है पंथाघाटी मॉनेस्ट्री। तो ये जो मॉनेस्ट्री होते हैं ये किसी ना किसी पहुंचे हुए लामा को डेडिकेट होते हैं। जैसा कि धर्मशाला में आपने देखा, वहाँ का जो मॉनेस्ट्री है वो हमारे परम पूजनीय दलाई लामा जी को समर्पित है। उसी तरह से आपने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी देखा होगा, देहरादून में बहुत बड़ा सा मॉनेस्ट्री है। खैर, मैं वहाँ अभी तक पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन दुआ रहेगी तो मैं ज़रूर वहाँ पहुँचूँगा। और इसी तरह का एक मॉनेस्ट्री है तिब्बतन कॉलोनी पंथाघाटी के बिल्कुल पास, और वो वाला मॉनेस्ट्री समर्पित था हमारे स्वर्गीय सेठुल रिंपोचे को। सेठुल रिंपोचे, रिंपोचे मीन्स महात्मा, आप महात्मा कह सकते हैं। तो वो वाला मॉनेस्ट्री एक पहुंचे हुए महात्मा को समर्पित था। अब मैं था क्यों कह रहा हूँ, दरअसल हुआ यूँ कि 2015 के दौरान वो जो मॉनेस्ट्री जिनको समर्पित था, वहाँ के महात्मा जी ने 2015 में अपना ध्येय त्याग दिया था। वो स्वर्गवास हो गए थे 2015 के दौरान, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने अपना ध्येय को त्यागा था तो वो उस वक्त शिमला शहर में नहीं थे, वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के आसपास थे। तो सुबह मुझे पता चला उस वक्त कि उन्होंने स्वर्गवास ले लिया है, तो बड़ा दुख हुआ हम सभी शिमला वासियों को। हम बिल्कुल गमगीन होकर पहुँचे पंथाघाटी मॉनेस्ट्री, क्योंकि वहीं पर ही लाया जा रहा था उनका पार्थिव शरीर। तो हम सब वहाँ पहुँचे, हमने उनके पार्थिव शरीर के दर्शन किए और वहीं पर ही उनका क्रिमिनेशन किया गया। तो अब सवाल उठता है कि पंथाघाटी मॉनेस्ट्री का उत्तरदायी कौन होगा। हम काफ़ी गमगीन थे, हम शिमलावासी काफ़ी दुखी थे, लेकिन हमें विश्वास था अपने परम पूजनीय दलाई लामा जी पर कि वो कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे। तो उनके द्वारा हमें पता चला कि उनका पुनर्जन्म होना बिल्कुल श्योर है। तो अब सवाल उठता है कि उनका पुनर्जन्म कहाँ होता है। हो सकता है नेपाल में होए, हो सकता है विदेशों में कहीं जाकर हो सकता है तिब्बत में जाकर कहीं हो। लेकिन परसों ही मुझे समाचार मिला कि उनका पुनर्जन्म हो चुका है, वो भी हमारे हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र स्पीति घाटी के किसी गाँव में। तो ये हम सभी बौद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात थी। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि वो शिमला की ओर रवाना हो रहे हैं स्पीति घाटी से। कल शाम हमें पता चला कि वो शिमला के भट्टा कुफर के एक निजी होटल में ठहरेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था तो जाहिर सी बात है कि थक चुके होंगे। तो इस करके उन्होंने सीधा अपने मॉनेस्ट्री पर ना जाते हुए एक निजी होटल में ठहरने का विचार किया। तो अब हमारा यानी कि हम शिमला वासियों का फर्ज बनता है कि हम उन्हें जाकर रिसीव करें। तो इस करके कल सुबह मुझे निकलना है उन्हें रिसीव करने के लिए भट्टा कुफर। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, जिन दौरान पिछले जन्म में गुरुजी ने अपना ध्येय त्यागा था, वो स्वर्गवास हो गए थे, तो उस वक्त भी मैं वहाँ था, और आज जब उनका पुनर्जन्म हुआ है इस वक्त भी मैं यहाँ शिमला शहर के अंदर हूँ। और कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैंने आज तक कहानियों में सुना था, किताबों में पढ़ा था कि पुनर्जन्म होता है, और आज साक्षात देखने को मिल रहा है। ये ऊपर वाले की माया नहीं है तो फिर और क्या है। तो चलते हैं सीधे भट्टा कुफर की ओर। ओके, तो इस वक्त मैं हूँ ढली टनल के पास, सामने ढली टनल है, और मैं लूँगा यहाँ से लेफ्ट साइड होते हुए सीधा मैं पहुँचूँगा भट्टा कुफर। तो ये सड़क जाती है भट्टा कुफर को, जहाँ पर कल शाम
गुरुजी ने विश्राम दिया था। सो पहले पहुंचते हैं वहां तक। सामने है शिव मंदिर। जय शिव शंकर भोलेनाथ प्रभु। जय हो, जय हो, जय हो। तो फिलहाल सड़कों की हालात बहुत ही बढ़िया कर रखा है। टायरिंग एकदम मस्त वाला किया हुआ है। आज मौसम बहुत ही सुहाना है, एकदम मस्त वाला मौसम। ऐसे मौसम में चाहे हो टू व्हीलर या हो फोर व्हीलर, ड्राइव करने का आनंद कुछ नेक्स्ट लेवल का आता है। जी करता है उड़ता हुआ चलूँ। आओ आओ आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ, तुसी चले आओ। कईयों का नाम बहुत जल्दी लगी रहती है ओवरटेक करने की। आज काफ़ी टाइम बाद यहाँ से गुजरना हो रहा है, तो मुझे पता नहीं था कि सड़कों की हालात इतनी सुधर चुकी होगी, वरना यहाँ तो गड्ढे ही गड्ढे हुआ करते थे। एकदम स्मूथ। वैसे तो सुबह 8:30 का टाइमिंग था गुरुजी को रिसीव करने का, लेकिन अभी बजे हैं 9, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 9:15 का टाइम हो सकता है। तो अब चलकर देखते हैं कि कैसा कैसा सिचुएशन है। तो ये सामने वाला शहर है बट्टा कुफर। यहाँ पर भी हर चीज़ की फैसिलिटी है, चाहे खाने पीने की चीज़ें हो या हो होटल्स, रेस्टोरेंट, हर चीज़ है यहाँ पर। पहले फटाफट से पहुँचते हैं होटल, देखते हैं क्या पता कहीं मैं लेट हो चुका हूँ। तो ये है जी बट्टा कुफर। तो अब पहुँचेगा वो होटल जहाँ पर कल शाम गुरुजी ने रेस्ट लिया था। तो पहुँच गए हम एक शेडी इलाके पे। यहाँ पहुँचकर कुछ ठंड सा महसूस हो रहा है, ठंड है यहाँ पर, क्योंकि फिलहाल अभी धूप नहीं लगी है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जी मैं पहुंच गया हूँ द होटल ऑर्चिड। ये है द होटल ऑर्चिड। तो यहीं कहीं गुरुजी ने रात को विश्राम लिया था। तो पहले पहुँचते हैं पार्किंग पॉइंट पर। तो ये है पार्किंग पॉइंट। पहले अपना स्कूटर जो है यहाँ पर पार्क कर देते हैं। जिस होटल में रात गुरुजी ने विश्राम लिया था, इस होटल का नाम है द ऑर्चिड। और होटल बहुत ही बड़ा होटल है। जब कभी आप बट्टा कुफर से क्रॉस होते हो नीचे दिल्ली या चंडीगढ़ के लिए, तो आप रात यहाँ स्टे कर सकते हो। बहुत ही बड़ा होटल है। और फिलहाल मेरा पहली बार यहाँ पर आना हुआ है, और मैं ज़्यादा दूर नहीं रहता हूँ, वहाँ सामने वहाँ ऊपर मैं रहता हूँ। तो काफ़ी बड़ा होटल है। और अब इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है गुरुजी के प्रस्थान करने का। तो जब गुरुजी प्रस्थान करेंगे तो उनके साथ साथ हम भी यहाँ से मोनेस्ट्री, जैसे कि मैंने बताया पंथा घाटी मोनेस्ट्री की तरफ निकलेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पहुँचे हुए हैं कुछ लोग गुरुजी को रिसीव करने के लिए। तो रिसीव करने के बाद फिर निकलते हैं पंथा घाटी मोनेस्ट्री की तरफ। सो गाइज, मैं गुरुजी के प्रस्थान करने से पहले ही चला आया हूँ, क्योंकि मुझे आगे स्वागत समारोह वाला वीडियो शूट करना था। सो इस करके मुझे पहले ही आना पड़ा, क्योंकि अगर मैं स्वागत समारोह वाला वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा तो फिर मैं आपको क्या दिखा पाऊँगा। तो इस करके मुझे पहले ही चला आना पड़ा। मैं चलता हूँ, पहले आगे गाड़ी पार्क करता हूँ, तो उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। मोनेस्ट्री के मेन गेट पर मुझे देखने को मिला। यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुगण हाथ में पवित्र स्कार्फ लिए गुरुजी के स्वागत में खड़े थे। मोनेस्ट्री में शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी भिक्षु अलग अलग वेशभूषाओं में पारंपरिक तौर पर अपने नन्हे से महात्मा जी के स्वागत में खड़े थे, और इन वेशभूषाओं का एक अलग ही महत्व होता है।
सो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से सभी श्रद्धालुगण हाथों में पवित्र स्कार्फ लिए खड़े हुए हैं, और यहाँ पर कुछ महिलाएं आपको लोग भी गाते हुए भी नज़र आ रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा तादाद में श्रद्धालुगण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से महिलाएं यहाँ पर लोकगीत गाती हुई नज़र आ रही हैं। ये एक स्वागत भरा गीत होता है जो कि आप सुन रहे हैं। आखिर एक बार फिर नन्हे से महात्मा जी पहुँच गए अपने मोनेस्ट्री पंथा घाटी। यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुगण अपने नन्हे से महात्मा जी को एक नए रूप में देखने के लिए बेचैन नज़र आ रहे थे। सभी ने उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। सभी छोटे भिक्षुओं को स्थान ग्रहण करने के लिए कहा जा रहा है। लोग मोनेस्ट्री की खिड़की से अंदर की ओर झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उन्हें कुछ दिख जाए। आज अंदर कुछ भी दिख पाना संभव नहीं है, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में लामास पहुँचे हुए हैं, और जो पिछले जन्म का जो उनका था स्थान, वहाँ वो स्थान ग्रहण करेंगे और जो भी होता है सामग्री उसे वो निकालेंगे। इस तरह का कुछ प्रक्रिया होता है पुनर्जन्म का, तो वो करेंगे। इसमें थोड़ा समय लगता है, तो अंदर किसी भी वीडियोग्राफर को शायद जाने की अनुमति नहीं है। शायद वही जा सकते हैं अंदर, जो बड़े बड़े लामास होते हैं वो अंदर जाएंगे, और जो काम होता है पूजा अर्चना से संबंधित वो करेंगे। सो शायद अंदर जाने की अनुमति फ़िलहाल तो किसी को नहीं है, तो सभी बाहर वेट कर रहे हैं। बात अलग है कि आज धूप बहुत बढ़िया है निकला हुआ है, और मौसम बिल्कुल क्लीन है। जो भी पूजा अर्चना वगैरह यहाँ की जाएगी या जो भी मनोरंजन का साधन होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो अब सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि महात्मा जी मॉनेस्ट्री से बाहर निकलें और उन्हें एक बार फिर से एक नए रूप में आशीर्वाद प्रदान करें। ऊपर से नीचे लगता कैसा है? तो यहाँ से नज़र आ रहा है पूरा। सभी लोग एकदम शांत चुपचाप बैठे हुए हैं। तो फिलहाल अभी गुरुजी का जलपान किया जा रहा है, तो उसके बाद फिर गुरुजी बाहर पधारेंगे, फिर सभी को दर्शन मिल पाएगा। सो इस करके तब तक हम भी अपना जलपान कर लेते हैं। चलो पहले कुछ खा पिया जाए। पूरी और चाय की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। ये है मीठी चाय, और साथ में मैंने हाथ में पकड़ रखा पूरी। खाने पीने का फुल जुगाड़ है। मोनेस्ट्री परिसर में पूरा इंतजाम किया हुआ है। नमकीन चाय, मीठी चाय, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, और शायद हो सकता है दिन का लंच भी रखा हुआ हो। यहाँ पर पूरी रखा गया है जी, आप दबा के खा सकते हैं। यहाँ पर महिलाएँ सेवा दे रही है अपनी। साथ में यहाँ पर लंगर हॉल है जी, यहाँ पर ये लंगर हॉल है। यहाँ पर
खाना वगैरह बनाया जा रहा है। तो आज आए हुए सभी श्रद्धालुगण को भूखे जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर खाने का फुल इंतजाम किया जा रहा है। यह है लंगर हाल। यहाँ पर सभी महिलाएं जेंट्स अपनी सेवा दे रहे हैं। एक सेवा होती है जो कि लोग करते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में। सेवा दे रहे हो आप? बिल्कुल सर, दिल से। ये तो बनता है ना? बिल्कुल बनता है। एक तरफ चाय पानी चलता रहा और दूसरी तरफ सभी को इंतजार था महात्मा जी के मोनेस्ट्री से बाहर निकलने की। लेकिन यहाँ पर कई श्रद्धालु अपने नन्हे महात्मा जी को कुछ ना कुछ भेंट लेकर आए थे और चढ़ावा चढ़ाने वालों की तो यहाँ कमी नहीं थी। सभी एक कतार में खड़े होकर कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे थे और नन्हे महात्मा जी भी सभी को आशीर्वाद प्रदान करते गए। एक तरफ महात्मा जी सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे और दूसरी तरफ लोगों द्वारा दी गई उपहार को रखने की अब जगह नहीं थी। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं भी वहीं पर ही मौजूद था जहाँ पर उपहारें रखी जा रही थी। बहुत ही ज़्यादा क्राउड, बड़ी मुश्किल से भीड़ को चीरता हुआ बाहर निकला हूँ। खाना रेडी हो चुका है और जो पूजा अर्चने का जो काम है जो चला हुआ है वो चला हुआ है। शायद शाम को नाच गाने का इंतजाम भी यहाँ पर किया जाएगा तो काफ़ी फन होने वाला है। स्टैचू तो यहाँ खाने का इंतजाम किया जा रहा है। पानी की बोतलें, दाल, इधर इसको कहते हैं टीमो हमारे भाषा में, उसके अंदर भी वही है। इसके अंदर है हमारे चावल है जी, और साथ में केले, ये केला वगैरह है जी, और भी बहुत कुछ आने वाला, और भी आगे सलाद। इधर क्या है? इधर सलाद और सैलेड भी है। सैलेड आ चुका है जी। तो खाने का पूरा तैयारी यहाँ किया जा रहा है। तो आई थिंक पहले तो शायद मेरे ख्याल से बच्चों को खिलाना चाहिए था, ऐसा कुछ प्रोग्राम था, फिर देखते हैं। पब्लिक यहाँ पर लाइन लगा रही है, अभी से लग गया। लाइन लगाओ। शाबाश। तेज़ गो लो। क्या बोल, सबसे आगे बैठता है ये? क्यों, सबसे ज़्यादा खाना यही खाता है? बाप रे, कितना खाते हो? तीन। दस खाना खाता है। अरे बाप रे, अभी पता चल जाएगा कौन कितना खाता है। देखो इतने बड़े बड़े केले, दाल, सब्जी, हर चीज़ है यहाँ पर। तो खाना खा के कहाँ जाओगे? सीधा स्कूल जाओगे? अब डांस करना है? आप लोग डांस करोगे? चल देखते हैं, हम देखते हैं। तो सबसे पहले खाना परोसा जा रहा है बच्चों को। स्कूली बच्चे आए हुए हैं, छोटे स्कूली बच्चे। उसके बाद पब्लिक लाइन लगा कर बैठी हुई है पीछे। स्कूली बच्चे खाना खा चुके हैं, अब समय आ चुका है पब्लिक का। पूरे पब्लिक खाने पे मतलब समझ लो कि टूट पड़ा है। तो अब इस वक्त धक्का मुक्की वाला सीन है। एक केला मैं भी खा लेता हूँ प्रसाद के तौर पर। है कि यहाँ पर स्पेस कम है तो इस करके नीचे का हिसाब किताब रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी पब्लिक खूब जमकर खा रही है। तो यहाँ हमारे एक भाई साहब जो कि सेवा में लगे हुए हैं कई दिनों से, देखते हैं क्या क्या बांटा जा रहा है। यहाँ पानी की बोतलें, इधर क्या है जी? खीर, दही, यहाँ पर क्या है जी? चटनी, यहाँ मिक्स वेज, इधर दाल, खूब सारा इंतजाम किया हुआ है। सभी जमकर लगे हुए हैं।
तो फिलहाल समय आ चुका है कि मैं भी खाना खा लूँ। खाने मैंने यही खाने पे सिंपल दाल चावल और दूध, बस मैं यही खा रहा हूँ। और मैं खाने में बहुत कुछ बना हुआ तो खाते। लंच करने के बाद अब समय आ चुका है कि नन्हे महात्मा जी को सभी के सामने रूबरू करवाने का। साथ में है उनके पिताश्री, उनके पीछे है उनके माताश्री, और साथ में है गांव से आए हुए कुछ सगे संबंधी, और उनके पीछे लोकल कलाकार जो कि थोड़ी ही देर में अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। तरफ नाचने गाने का दौर चल रहा था और दूसरी तरफ महात्मा जी लगातार शरारत किए जा रहे थे, क्योंकि दिल तो अभी बच्चा है। वो घड़ी घड़ी अपने माता पिता की तरफ देख रहे थे, क्योंकि माता पिता तो माता पिता होते हैं, उनके मन को कौन समझ पाता है। मैं एप्पल सन ट्रैकर महात्मा जी के माता पिता को शत शत नमन करता हूँ। मैं समस्त किन्नौर वासी, लाहौल स्पीति वासी और तिब्बतन समुदाय के सभी लोगों के ओर से गुरुजी का पृथ्वी लोक पे पधारने पर स्वागत करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप युगों युगों तक हम सभी के कष्टों का निवारण करते रहेंगे। और वीडियो देख रहे सभी दर्शकों से मेरा आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ किसी और मोड पर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू ऑल।
है।